शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने तनखिया करार दिया है। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को 2007 से 2017 तक उनकी पार्टी की सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिए धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया है। ये फैसला 5 तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक के बाद सर्वसम्मति से लिया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि सुखबीर सिंह का बादल जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसे फैसले किए थे जिनसे न केवल पार्टी प्रभावित हुई बल्कि सिखों के हितों को भी नुकसान पहुंचा। ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि जब तक सुखबीर बादल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में अकाल तख्त के सामने उपस्थित होकर अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें तनखिया घोषित किया जाता है। जत्थेदार रघुबीर सिंह ने अमृतसर में अकाल तख्त सचिवालय में बैठक के बाद कहा कि 2007 से 17 तक अकाली मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे सिख समुदाय के मंत्रियों को भी 15 दिनों के भीतर खुद उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देना चाहिए। पंजाब में सिखों का साम्राज्य कायम करने वाले महाराजा रणजीत सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को भी तनखिया घोषित किया जा चुका है। सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर दो तरह की सजा का विकल्प है, एक तो कानूनी सजा जो अदालत सुनाती है लेकिन यह अपराध भारतीय न्याय संहिता के दायरे में आना चाहिए, दूसरी सजा वो जो श्रीकाल तख्त साहिब से सुनाई जाती है। ये एक धार्मिक संस्था है और धर्म से जुड़े सारे फैसले लेती है लेकिन यह सिर्फ सिख को ही सजा सुना सकती है। इस सजा को कहा जाता है तनखिया घोषित करना। सिख धर्म के मुताबिक तनखिया का मतलब होता है धार्मिक दुराचार का दोषी। इसकी घोषणा सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था करती है। कोई भी सिख अगर धार्मिक तौर पर कुछ गलत करता है तो उसके लिए व्यवस्था है कि वो नज़दीकी सिख संगत के सामने उपस्थित होकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ले। तब संगत की ओर से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में उसको कसूर की समीक्षा की जाएगी और फिर उसी के हिसाब से उसके लिए सजा तय की जाएगी। इसके तहत आरोपी को गुरुद्वारों में बर्तन, जूते और फर्श साफ करने जैसी सजाएं सुनाई जाती हैं। साथ ही हर्जाना भी तय किया जाता है जिसके तहत जो सजा दी जाती है वो मूल रूप से सेवा भाव वाली होती है। सिख धर्म के एक जानकार के मुताबिक तनखिया का मतलब जिसको धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। आरोपी अगर सजा का पालन नहीं करता है तो उसका धर्म से बॉयकॉट कर दिया जाता है। ऐसे में उसे किसी भी गुरुद्वारे में आने की इजाज़त नहीं होती है, साथ ही किसी भी पूजा पाठ में हिस्सा भी नहीं लेने दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई सिख ना तो इससे संपर्क रखे, ना संबंध रखे, ना ही इसके यहाँ शादी जैसे कार्यक्रमों में जाए और ना ही उसे बुलाए, यानी पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। आम भाषा में कहें तो इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। सिख धर्म की मान्यता के तहत सिख संगत का माफी देने को लेकर रुख बहुत ही कठोर नहीं होता। ये भी ज़रूरी है कि आरोपी सज़ा को लेकर किसी तरह की बहसबाजी ना करे। सज़ा पूरी होने पर वो व्यक्ति तनखिया नहीं रहता है, यानी उसकी धार्मिक और सामाजिक जीवन में वापसी हो जाती है। तब सज़ा समाप्त होती है तो अरदास के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, जैसे पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह ने तनखिया होने के बाद माफ़ी मांगी थी। उन्हें सज़ा मिली थी कि आप दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब जाकर लोगों के जूते साफ किया करें।